नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश विरार। दोस्तों बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों बिग बॉस हाउस में मिड वीक इविक्शन की खबर निकल करके आ रही है। एक मिड वीक इविक्शन हो गया है, घर पे एक सदस्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ये फाइनल रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि मिड वीक इविक्शन हो चुका है, घर से एक सदस्य बाहर जा चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच हफ्ते में ही घर से बिग बॉस को किसी को निकालना पड़ गया, क्योंकि ऑलरेडी नॉमिनेशन हुआ था, नॉमिनेशन चल रहा था और उसके लिए वोटिंग भी चालू है, जो कि फ्राइडे को सुबह 10 बजे तक वोटिंग भी रहनी है और कल वीकेंड के वार का शूट होना है। ऐसे में सलमान खान के पहले ही घर से किसी सदस्य को बाहर कर दिया गया। क्या इस बार डबल इविक्शन होने वाले हैं, यानी कि वीकेंड के वार में क्या फिर से किसी का इविक्शन किया जाएगा? तो घर से किसका इविक्शन हुआ, यह आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि कल के एपिसोड में आपने देखा था कि अरफीन खान ने अपनी वाइफ सारा अरफीन खान को एक एक्सपायरी सून वाला नेकलेस पहनाया था। इसमें बिग बॉस ने कहा था कि यह नेकलेस 24 आवर्स के लिए है और इसके बाद 24 घंटे के बाद सारा अरफीन खान घर से बेघर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों सारा अरफीन खान घर से बेघर नहीं हुई है। हुआ क्या था, उसके बाद एक रैंकिंग टास्क हुआ था जिसमें मुस्कान मामले और बग्गा जी सबसे लास्ट रैंक पे आए थे। वहां पर मुस्कान वामले और बग्गा जी को भी वो एक्सपायरी सून वाला टैग पहनाया गया था और वो नेकलेस पहन करके तीनों लोग घूम रहे थे। ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन बिग बॉस रखते हैं कि भाई जो लोग ये चीजें पूरी करेंगे तो उनको हम बचा लेंगे, जो नहीं करेंगे उनको हम निपटा देंगे। ऐसा कुछ होता है और बिग बॉस वहां पर मुस्कान वामले को घर से बेघर कर देते हैं। फाइनली मुस्कान वामले घर से बेघर हो चुकी है, उनका इविक्शन हो चुका है। वैसे भी मुस्कान वामले घर पे कुछ कर नहीं रही थी, पूरे 17 से 18 दिनों में उनका कोई भी घर के अंदर 1% का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इतने ज्यादा पंगे हुए, नॉमिनेशन से लेकर सब कुछ हुआ, लेकिन मुस्कान वामले बोलती नजर नहीं आ रही थी। तो सोचने वाली बात यह है कि ऑलरेडी मुस्कान वामले जो नॉमिनेशन था उसमें सबसे कम वोट पा रही थी, वैसे भी वो घर से बाहर जाने वाली थी, तो आखिर बिग बॉस को मिड वीक इविक्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो इस वीकेंड के वार पे दिवाली पार्टी होनी है, दिवाली पार्टी होनी है, सिंघम अगेन की पूरी टीम आनी है, तो दिवाली पार्टी होगी तो हो सकता है कि इस हफ्ते सलमान खान कह दें कि भैया अब किसी का इविक्शन नहीं करेंगे, हम दिवाली की एक भारी छूट दिए दे रहे हैं। अब फाइनली उनको मुस्कान को घर से बाहर भी निकालना था, क्योंकि शुरुआत से जब से वो आई है कुछ नहीं कर रहे, तो बिग बॉस के मेकर से किसी को बेवजह पैसे क्यों देंगे कि भाई जब उससे कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा और मेकर्स बेवजह किसी को पेमेंट क्यों करेंगे? तो उन्होंने सोचा होगा भाई इससे अच्छा है कि इनको निकाल करके बाहर करो। तो उन्होंने ये सब गेम रचाया वहां पर बिग बॉस ने कि इस तरीके से हम करते हैं तो इनको घर से बाहर कर दिया जाए। मे भी हो सकता है कि बग्गा जी को भी घर से बाहर कर दिया जाए इसी हफ्ते के अंदर, क्योंकि बग्गा जी भी घर पे कुछ करते नजर नहीं आ रहे, फिलहाल वो एक्सपायरी सून का टैग लटका करके घूम रहे हैं। तो निसंदेह बग्गा जी भी घर से बाहर जा सकते हैं। फिलहाल मुस्कान मामले को घर से बाहर कर दिया गया है, बाकी जो वीकेंड का वार होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि अभी भी वोटिंग लाइंस चल रही है और वोटिंग लाइंस के आधार पर मुस्कान जा चुकी है। अगर अब किसी को कम वोटिंग मिलेगी वो है नायरा बनर्जी, तो क्या नायरा बनर्जी का भी इविक्शन होगा? मे भी, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है नायरा बनर्जी का भी इविक्शन हो जाए और एक्सपायरी सून से बग्गा जी को भी घर से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर तजिंदर पाल बग्गा भी कुछ भी 1% भी कंटेंट देते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नायरा और बग्गा दोनों को घर से बाहर कर देंगे और अगले वीकेंड के वार में या फिर मिड वीक में निश्चित तौर से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी घर पे, किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।